सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज हम बनाएंगे रेड कैबेज की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो चलिए इस रेड कैबेज की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। रेड कैबेज की सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 roughly chopped रेड कैबेज, 1 हम लेंगे यहाँ पर प्याज ऐसे बड़े शेप में कटा हुआ, 2 हरी मिर्च ली है जिन्हें मैंने ऐसे स्लिट कर लिया है, 1 टमाटर लिया है जिसे मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है, 1/2 cup लिया है भिगोए हुए सोयाबीन चंक्स, 1/2 cup लिया है कैप्सिकम यानी कि हरी शिमला मिर्च, इसे मैंने ऐसे कट कर लिया है, थोड़ी सी हम लेंगे यहाँ पर फ्रोजन ग्रीन पीस, 1 tablespoon हम लेंगे यहाँ पर सोया सॉस, 1 tablespoon हम लेंगे यहाँ पर वाइट विनेगर, अजीनोमोटो हम लेंगे यहाँ पर 1 teaspoon, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, नमक हम लेंगे यहाँ पर स्वाद के अनुसार, काली मिर्च हम लेंगे यहाँ पर क्रश की हुई 1 teaspoon, रेड चिली पाउडर हम लेंगे यहाँ पर 1/2 teaspoon, 1 inch अदरक लेंगे हम ऐसे बारीक कटा हुआ, 8 से 10 हम लेंगे यहाँ पर गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ ऐसे बारीक कटी हुई, ऑयल हम लेंगे यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच। हम सबसे पहले यहाँ एक पैन गरम करेंगे, इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, इसे हम चला देंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें यहाँ प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, रफली चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड करेंगे और इन्हें भी हम चला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन पीस, सोयाबीन चंक्स ऐड करेंगे, इन सबको हम 2 मिनट पका लेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चलाते रहेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट को मिला देंगे इनमें। सॉल्ट ऐड करने से हमारी सब्जियां यहाँ पर जल्दी कुक हो जाएंगी। अब इसमें हम कैप्सिकम ऐड करेंगे, रेड कैबेज ऐड करेंगे और सबको अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएगी काली मिर्च क्रश की हुई, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, MSG ऐड करेंगे, इसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस, वाइट विनेगर ऐड करेंगे, इन सबको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और ये हमारी रेड कैबेज की सब्जी रेडी हो गई है। तो अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे। और ये हमारी सुपर टेस्टी रेड कैबेज की सब्जी रेडी हो गई है। आप इसे रोटी, राइस या पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सुपर शिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।